वाइज आज के हमने व्लॉग की शुरुआत करनी थी बड़े प्यार से, बट मौसम देखिए आप, इस मौसम में सब कुछ रोक दिया। ये मैं मौसम दिखाऊँ, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ये देखिए बहुत तेज़ हो रही है। और जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 25 सीधा। कल तक टेम्परेचर आ रहा था 39+, आज सडनली 25 पे आकर अटक गया। तो बहुत अच्छा है, दिल्ली का मौसम बारिश की वजह से सही हो गया। बट आज का व्लॉग हम आज एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं पिछले कुछ दिनों की यादें। आप देखिए ब्लॉग में मेरी जो सिस्टर लॉ है उसकी कुछ फुटेज मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। आप पहले एंजॉय कीजिए, फिर करते हैं आगे बात। सो हेलो गाइस, मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर पे, क्योंकि आज हमने अपनी प्यारी सी डॉल का वेलकम करना है। तो हमने उसके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है एकदम, उसको नहीं पता कि यहाँ पर हमने उसके लिए तैयारी करी है। देखो मैंने घर पे डेकोरेशन करी, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने डेकोरेशन करी है यहाँ पर, और कुछ बैलून्स लगाए हैं हमने अंदर भी लगाए हैं, और जो फ्रंट गेट की एंट्रेंस है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने इस तरीके से रिबन्स लगाए हैं वेलकम के, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर लिए क्योंकि बाहर बहुत हीट है, इसलिए थोड़ा ही कुछ बैलून वगैरह लगा दिए हैं। और अभी जब आएंगे ना तो यहाँ पे हम लोग जो है इधर यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिबन लगा देंगे, यही वेलकम वाला। सो अच्छा लग रहा है। और ये कुछ शूटर्स और वो भी मंगा लिया हमने साथ में, कि भाई जब आएँगे तो हम ऊपर से, जैसे ये रोज़ के पेटल्स हैं इसको भी मैं खोल रही हूँ, तो यहाँ इसके साथ भी हम जो है डेकोरेशन करेंगे। मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ है, मम्मी जी हैं, क्लास में है। आंटी जी जो चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं, खाने पीने का सामान आ गया, मुझे भूख लगी थी क्योंकि। सो अभी हम इसका जो है कुछ इसको खोलते हैं अच्छे से, और फिर इसको ऊपर से हम बारिश करेंगे। बड़े बेबी की दादी जो कि थक गई है बहुत सारा काम करके, और ये उसकी परदादी हैं, और मतलब मेरे जीजा जी की दादी। तो सबसे हम आपको धीरे धीरे करके मिलेंगे, सारे आने वाले हैं। फाइनली हम जा रहे हैं काटका लेने के लिए, काका नीचे आ गया है। वेलकम वेलकम होम। छोटा काका आ गया। अच्छा बेबी रसगुल्ले खा लो बिछाने के छाने के, बस खा लिया से सारे ने। काके ने बस 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 गाइस। हाँ जी, तो आज पूरा परिवार निकल चुका है हमारा, क्योंकि जिसकी तबीयत खराब थी रात को उसको क्रोसिन दी है, बुखार का फोरक है। वहाँ संजम जी को भी आज ले डॉक्टर के पास हम लोग। ये तो टेंशन में आ रखी है पूरी, टेंशन दिखाओ, ये टेंशन होती है। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास संजम को लेकर, पहले जाएंगे शॉप पर। शॉप पर चले पहले, है ना, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर नानी के पास ये स्टे। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं दोबारा से वही हॉस्पिटल में जहाँ पे छोटी लाडो हुई थी, है ना हमारी। देखो यहाँ पे क्या है? सामने क्या है? वाह, तो बहुत प्यारी प्यारी फिश एक्वेरियम है ना। ये कौन है? संजम है ये? नहीं। तो ये संजम होगी फिर? नहीं। तो संजम कौन सी है? संजम आप हो? तो अभी हम आए हैं हॉस्पिटल दोबारा से संजम को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए। बाकी बताते हैं अगर कोई इशू हुआ ज़्यादा बड़ा, विल डिस्कस यू। थैंक यू। अभी हम संजम को लेके आए हैं हॉस्पिटल में, और इसको हम करा रहे हैं अल्ट्रासाउंड, है ना। हाँ जी संजम, देख तो लो। ओ संजम मस्त हो गई मम्मी के साथ। अब दोनों जने मुझे जफी पाओ, मासी को जफी पाओ, मम्मा को जफी पाओ। की डंडा लगे क्या? सो फ्रेंड्स यहाँ पर ना बच्चे एक्सचेंज हो गए हैं। मासी ने संभाल लिया संजम को और नीतू ने संभाल लिया है इस गुग्गू को। ये देखो उठ ही नहीं रही है और ये उठाने लगी हुई है इसको, वो उठ ही नहीं रही है। पिटाई करो इसकी, नहीं उठेगी वो। ये देखो वीडियो बना रहे इसकी पिटाई करते, इसके बाप को भेजेंगे। ओए नो नो ओए नो 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 बेटा अगर गुरप्रीत देख लिया ना बहुत डांटेगा। उठ गई। देखो माँ का क्रोध बाहर आ गया। मैं कुटना मिठू लूं और ले लो। ओए डी जी करेगा तू मिठू को प्यार नहीं करती। ओए प्यार नहीं करती तू एबे हुनर जो तू ओनु प्यार करती हो कट होया नहीं होया ना तो फिर उड़ गई। इसका नाम क्या रखा अब? रोशनप्रीत कौर। रोशनप्रीत कौर रख दिया करो दोबारा नाम। रोशन गुरप्रीत जी नाम तो कम से कम रोशनप्रीत कौर। रोशन लाल जी की हालचाल तो ऐसे उड़ाएंगे मजाक उसका। मैं उड़ाऊंगा मजाक नाम है। हाँ रीच रखते हैं नाम, कुछ ऐसा नाम रखते हैं, बढ़िया सा नाम, कुछ गणेश नाम रखते हैं। रोशनप्रीत कौर रीजा नाल पाली हुई साडी रीज। हाँ रीज नाम फिर भी साउंड्स गुड यू नो समथिंग। सो यहाँ पे संजम खेल रही है छोटकू के साथ, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर काका देखो उठ गया और नीतू को लगी हुई है। नीतू उसको घूर रही है, डांट रही है बार बार। वो सो के लिए बार बार है। दोनों बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। दिखा दे लोगों, दिखा दे गाइस को। अच्छा उसको जेलस हो रहा है कि उसका टॉय ये है और संजम लिया क्यों है। बेटा दीदी ये क्यों हो गया? बैक करना इसको, बैक पे चला। और यहाँ पे माँ कवर कर रही है बातों को। न्यू लाइफ आज सेकंड डे है। संजम को मैंने स्कूल से पिक कर लिया है और लग गई है घूमी घूमी करने के लिए। भाई सेम झूला, सेम राइड, सेम रूटीन। कुछ चेंज तो क्या करो झूले में, दूसरा झूला करो ना। और क्या वो वाला झूला झूलो, सामने वाला सी सॉ वाला ये रहता है, यही झूलो। हाँ सामने ये वाला झूलो स्विंग वाला, हाँ ये कर लो। तो संजय ने राइड चेंज कर लिया है। कैसा लग रहा है? अब ये कर तो लिया, आजो फिर आजो। ओके ये वाला कर लो, वाला कर लो, जाओ। हाँ जाओ वाला कर लो। ये देख के चलो 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 पापा घुमाएंगे, चलो 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 सारे, चलो सारे, चलो चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। सो हम अभी मम्मी के घर पे आए हुए हैं और संजम देखो संजम डांस कर रही है और टीवी पता नहीं क्या देखी जा रही है। आई वांट यू देखे जा रहे हो? ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो जम क्यों कर रहे हो संजय, जम क्यों कर रहे हो? और जस्ट के ट्यूशन से आ चुका है और ट्यूशन से आने के बाद वो अभी कुछ नहीं कर रहा है। आपको पता है बोलो 9.5 घंटे पढ़ा हूँ आज मैं, 9 घंटे पढ़ा हुआ है। 6 घंटा स्कूल होता है सबका ही होता है वो तो। हाँ। उसके बाद 3:30 ट्यूशन गया था, 6:30 ट्यूशन, 7:30 बजे ट्यूशन आया हूँ मैं, 7 बजे ट्यूशन से आ गया हूँ। देख लो 9.5 घंटे आते हैं तो क्या हो गया। अब तो शुरुआत है बेटा, तो 8th है, आगे 4-7 घंटे पढ़ रहे हैं। पापा के हफ्ते की पढ़ाई देख लो मिला के 9.5 घंटे का मिले। हाँ भाई तो तू कर ले तो बहुत है, तू कर इतना ही बहुत है। कोई स्पेशली मोबाइल कवर लेने के लिए गफ्फार मार्केट आता है, आप कमेंट करना क्योंकि मैडम स्पेशली मुझे गफ्फार मार्केट लेकर आई है सिर्फ मोबाइल कवर बाय करने के लिए। बताओ रोहिणी से देख रहे हैं आंसू निकल रहे हैं आसमान से। तो नीतू यहाँ पे फ्लावर भी ले रही है, सिलेक्शन देख रही है पूरा। क्या हुआ लिया नहीं? नहीं वो जैसा मेरे को चाहिए ना है, हल्के फ्लावर्स वाला चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट में पूरा देख रहे हैं आप, गॉगल्स वगैरह भी हैं, फैशन एक्सेसरीज भी है, हाँ दोबारा बोलो। मेन रीजन ये है बहुत महंगा दे रहे हैं। महंगा है ना, काला 17 रुपये सस्ता है। 17 बहुत सस्ता है नीतू, 17 बहुत सस्ता है चीज़ों से। सो डिफरेंट डिफरेंट गॉगल्स वगैरह शॉप्स वगैरह भी है यहाँ से। यू कैन बाय गॉगल्स एंड ऑफरिंग्स और बेल्ट वगैरह देख रहे हैं आप। हम लोग अभी गफार मार्केट में इसलिए स्पेशली मोबाइल कवर के लिए देख रहे हैं साहब, सिर्फ मोबाइल कवर के लिए। पहले बैठे थे दुकान में, करे क्या। अच्छा बहुत फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाता हूँ कुछ नया नेलाक जो मैंने घर में लगा रखा है। नज़र बट्टू नेलाक नेल डिजाइनर का फेवरेट हो गया आज के बाद। दिखाता हूँ कति ये बन दिखाइयो। ये देखो गाइस, आप बताओ ये जो होती है जो आइस बनी होती हैं, जैसे ये बना हुआ देखो, ये इसी के वहाँ पे रख के हम वीडियो बनाएंगे। अभी नेल आर्ट है ना, लग रहा है ना ये चीज लग रही है एकदम, वो भी गोल्डन ये भी गोल्डन। नज़र बट्टू नेल आर्ट, ये देखो अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा कति जहर है, बहुत प्यारा। तो कैसा लगा आपको ये करवा के? अब तो आपको नजर लगेंगी नहीं, जाते ना मम्मी वैसे कैसे करेगी ये नजर है? सारी नजर नेल पे आके लग जाएगी, नेल टूट जाएगा बेचारे का। नहीं नेल टूटेगा नहीं, ठीक है, केयर करना इसकी। कम से कम चलना चाहिए 2 साल ये। अच्छा एक बात बताओ, एवी लाइट ब्लू कलर की और व्हाइट कलर की होती है, तो डेविल रेड एंड ब्लैक हम वो भी बनाएंगे। डेविल आई पे सर है, डेविल बना दे लोड़ी नहीं तो संजम यहाँ क्या कर ले हो आप, क्या कर ले हो? मेकअप अच्छी है ये, मेकअप होता है हाथ में मेकअप कौन करता है? पाउडर लगा दिया, मेरे हाथ काले लग रहे थे उसको, तो इसलिए वो मेकअप कर रही है। वाह बेटा, शक्ल भी लगाओ ना जो काली है, हाथ में क्या लगा रहे हो? तो गाइस देख लिया आपने ब्लॉग में क्या क्या चल रहा है। तो यार अभी लेकिन मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू आगे नहीं कर पाऊंगा। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, रीजन बिकॉज आज बारिश हो रही है, हम कहीं जा नहीं पाएंगे, कुछ कंटेंट मिल नहीं पाएगा। तो ये छोटे ब्लॉग देखिए, बाकी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू सोफा के साथ। अपने चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना, लाइक कर देना। बाय।